तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी अब बताने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक अभी भी जारी है। आंदोलन स्थगित होने के बाद पहली बैठक ये चल रही है, ये बैठक अभी भी जारी। सरकार से मांगों पर बनी सहमति पर दरअसल चर्चा इस बैठक में चल रही है। किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया। 31 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। राज्यों में दरअसल जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि एसकेएम की मीटिंग फिलहाल जारी है और बैठक के फैसलों पर संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। हमारे संवाददाता राम सिंह मार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। राम सिंह मार, ये बैठक फिलहाल जारी है, इस बैठक में क्या मंथन चल रहा है और सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल पा रही है कि 31 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन होगा? देखिए देखिए, जिस प्रकार से आज एसकेएम की बैठक जो है करीबन 12 बजे से लगातार चल रही है और उसी के लिहाज से अभी भी लगातार बैठक जारी है। जिस प्रकार से जब आंदोलन स्थगित किया गया था तो उस दौरान प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार द्वारा ये आश्वस्त किया गया था कि जो मांगे हैं वो मान ली गई और उन पर जल्दी ही इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ और इसी के मूल्यांकन को लेकर आज जो है एसकेएम की सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग चल रही है और करीबन 12 बजे स्टार्ट हुई थी और लगातार ये बैठक चल रही है। और बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा यही है कि सरकार की तरफ से जो बातें सहमति पत्र में प्रदर्शित की गई थी वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और इम्प्लीमेंट ना होने के कारण एक बार फिर जो है किसान रणनीति बना रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है, जिस प्रकार बैठक चल रही है, बैठक में चर्चा ये चल रही है कि 31 तारीख को सभी अलग अलग स्टेट में जिला स्तर पर और खंड स्तर पर एक जो प्रोटेस्ट है वो ट्रैक्टर यात्रा के द्वारा निकाला जा सकता है और ऐसी बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर एक सहमति पत्र भी मांगा गया है और उसके बाद जो है रणनीति तय की जाएगी कि किस प्रकार से सरकार को एक बार फिर घेरा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और अगर बात करें तो इस बार यूपी मिशन अहम माना जा रहा है, जिस प्रकार से अलग अलग स्टेट में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उसी के लिहाज से पंजाब समेत जो है यूपी व अन्य कई स्टेट है जहां पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यूपी में खास तौर पर लखीमपुर के मुद्दे को लेकर घर घर तक जाकर जो है सरकार की कमियों को गिनाने का कार्य कोशिश करेंगे और ऐसी बात जो है वो सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान है एक दूसरे को कॉल करते हैं तो फोन ना उठाने का आरोप है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सुबह के टाइम जब ये बैठक शुरू हुई थी तो उस दौरान कहीं ना कहीं आपसी बहस और तनातनी का माहौल भी जो है वो देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से यहाँ पर देखी जा रही है, बैठक हो रही है और बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक बार फिर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सहमति पत्र जब जारी किया गया था तो किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया था और स्थगित करने के बाद किसानों ने यह भी ऐलान किया था कि 15 जनवरी को एक बैठक रखी जाएगी जो कि मूल्यांकन बैठक होगी, सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखते हुए बातचीत के आधार पर जो है पूरा एजेंडा जो है वो रखा जाएगा और उसी लिहाज से ये बैठक रखी गई है और इसमें तय किया जाएगा कि अगली रणनीति क्या होगी। जी, सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही है, आपने भी जानकारी दी कि प्रदर्शन की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि एक बार फिर से अगर मांगे नहीं मानी तो आंदोलन फिर से शुरू होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर तमाम प्रकार की बातें निकल कर आ रही है क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम जो बिंदु थे उन पर सहमति बनाई गई, उसके बाद एक लेटर जो है संयुक्त किसान मोर्चा को दिया गया, उसके बाद आंदोलन में स्थगित किया गया और स्थगित करने के बाद जो है आज ये पहली बैठक रखी गई है जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों के जो शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और रणनीति यही बना रहे हैं कि सरकार ने जो सहमति पत्र दिया था, जो एक राजी सरकार जो जिन मुद्दों पर राजी हुई थी और जो उसके बाद आंदोलन स्थगित हुआ था तो कहीं ना कहीं वो बातें इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, उसी को लेकर एक बार फिर चर्चा की जा रही है। हालांकि एक अल्टीमेटम सरकार को जरूर सौंपा जाना है ताकि सरकार जो है गौर करे, नहीं तो फिर दोबारा एक बड़ा आंदोलन जो है 31 तारीख से
31 जनवरी से हो सकता है, संभावित है, और 1 जनवरी को बड़ा फैसला जो है एसकेएम ले सकती है। इसका तमाम प्रकार की रणनीति जो है अलग अलग ठीक है, रणनीति यहाँ पर सरकार के खिलाफ बनाई जा रही है। इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।